कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान का 15वां वार्षिक दीक्षांत समारोह ओडिशा के भुवनेश्वर में शनिवार को आयोजित किया गया। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्रो, संसद सदस्य और KIIT और KISS के संस्थापक प्रोफेसर अच्युत सामंत एवं अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। मैं सबसे पहले इस संस्था के संस्थापक प्रोफेसर सामंत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक तरफ जनजाति क्षेत्र के 30,000 से ज्यादा बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, संस्कार, कौशल देने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज वे छात्र जीवन से निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जहां कई चुनौतियां और संभावनाएं हैं। ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा, लालसा हमारे मन में हमेशा रहनी चाहिए और यही हमारे जीवन की तप और तपस्या होती है। ओम बिरला ने आज के युवाओं को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए KIIT की भी सराहना की। कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किया।